एवरीवन वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अपकमिंग स्मार्ट टीवीज की, जो कि आपको इस फरवरी मंथ में देखने मिलने वाले हैं। इनमें से कुछ टीवीज हैं जो कि जस्ट कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हो चुके हैं, कुछ ऐसे टीवीज हैं जो कि आपको जल्द ही मार्केट में देखने मिलने वाले हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आप भी एक नई टीवी लेने की प्लानिंग कर रहे हो, नया लेटेस्ट प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ, इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे ही स्मार्ट टीवीज एंड होम अप्लायंसेज से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज लाता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, हमें जल्द से जल्द इस चैनल पर 50K कंप्लीट करने हैं, जो कि आपके सपोर्ट के बिना होना मुश्किल है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब पर एक बार क्लिक जरूर कर दीजिएगा। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगे लाइक भी कर दीजिए। आइए चलिए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू कर दें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं उन टीवीज की जो कि जस्ट अभी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुई हैं, गर्मा गर्म ताजा यहाँ पर टीवीज आई हैं मार्केट में, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम है व्यू का। जी हाँ दोस्तों, व्यू ने 1 फरवरी को अपनी एक नई टीवी लॉन्च करी है, जो कि है 32 इंच के स्क्रीन साइज के साथ। इसकी प्राइसिंग सिर्फ 13,000 रुपीज रखी गई है। प्राइसिंग ओवरऑल काफी अच्छी रखी है इन्होंने, बिकॉज आजकल जितने भी 32 इंच वाले टीवीज हैं वो 15 या फिर 15 के अबाव ही प्राइस हो रहे हैं। तो इस समय इस वजह से मतलब जो 10-15 का जो मार्केट है, जो गैप है, वो अभी भी काफी बड़ा है, बहुत ही कम ऑप्शन है। तो अभी अच्छी बात यह है कि 13 और 12 के रेंज में काफी और नए टीवीज आ रहे हैं। ओके, तो इस टीवी की बात करें जाए तो पैनल मेरे हिसाब से आई थिंक VA है। अब इसके बारे में श्योरिटी नहीं, बिकॉज ब्रांड ने तो मेंशन नहीं किया है। अब जब हम टीवी यूज करेंगे, बाय करके रिव्यू करेंगे आपके डिमांड पर, तभी पता चल जाएगा। तो पिक्चर क्वालिटी वगैरह व्यू की टीवीज में जनरली अच्छी देखने मिलती है। 20 वाट के स्पीकर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कुछ पॉपुलर एप्स का सपोर्ट तो आपको मिल जाता है, बट जैसे एंड्रॉइड में आपको बहुत सारे ऐप्स का सपोर्ट मिलता है, वैसा आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, और ना ही यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल पिक्चर एंड ऑडियो अच्छी होने वाली है इस टीवी की। सो अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप उतना ज़्यादा मतलब OTT प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं देखने वाले हो, आपका जो है Amazon Prime, Netflix, YouTube से ही काम चल जाएगा, और आपको वॉइस कमांड भी आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप जो है 13,000 रुपये के अंदर टीवी लेना चाहते हो, देन उस केस में आप इसे कंसिडर कर सकते हो। वेल मेरे हिसाब से व्यू अगर 13,000 रुपये में टीवी ला रहा है, तो भैया 2,000 रुपये और बढ़ा देते, 15 का कर देते या फिर 14 का कर देते, और वो एंड्रॉइड या फिर वॉइस असिस्टेंट वाला फीचर आप देते तो काफ़ी अच्छा होता मेरे हिसाब से। बाकी टीवी अच्छी है। अगर आप कहोगे इसका रिव्यू चाहिए, तो मैं डेफिनेटली इस टीवी को बाय करके आपके लिए एक डिटेल अनबायस रिव्यू हमेशा की तरह लेकर आऊँगा। तो एक बार कॉमेंट करके बता देना कि क्या आपको व्यू की इस टीवी की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो चाहिए या फिर नहीं। वेल बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे सेकंड टीवी की तरफ। तो सेकंड टीवी भी अभी जस्ट गर्मा गर्म मार्केट में लाई गई है, और ये स्मार्ट टीवी सीरीज जो है ये है बेस्टन की तरफ से। बेस्टन के बारे में पता होगा, काफी पुराना ब्रांड है इंडिया का, CRT टीवीज भी आते थे बेस्टन की। तो बेस्टन इससे पहले जो इनकी टीवीज होती थी, वहां पर हमें ओपन सोर्स एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलता था, क्लाउड बेस्ड ऐप देखने मिलते थे। पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं था, इसलिए मैं अपने चैनल पर कभी भी ओपन सोर्स एंड्रॉइड OS को प्रमोट नहीं करता, बिकॉज मुझे खुद वो पर्सनली पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, एंड बहुत सी इशूज आते हैं उसके अंदर, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं होता है, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करता। मुझे जो चीज अच्छी लगती है, मुझे लगता है जेन्युइनली ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं आपको वही हमेशा रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने काफी अच्छा स्टेप लिया है, WebOS LG ऑफिशियली बाकी सारे टीवीज में दे रहा है, और यहां पर बेस्टन के टीवीज जो है ये नए वाले तो WebOS के साथ आते हैं। एग्जैक्टली जो फीचर्स, जो यूजर इंटरफेस, जो परफॉर्मेंस आपको LG की टीवीज में मिलती है, वो सेम अब आपको वेब जो बेस्टन की टीवीज है उनमें देखने मिल रही है। तो इनके 4K टीवीज भी काफी अच्छे प्राइस पर लॉन्च किए गए हैं। यहां पर जो 32 इंच वाला वेरिएंट है, जिसे मैंने खुद यूज करा है, चैनल पर रिव्यू भी किया है मैंने उसका, तो उसके बारे में मैं आपको और अच्छी तरीके से बता सकता हूं। तो 32 इंच वाली टीवी सिर्फ 12,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर लाई गई है, काफी अच्छी टीवी है। ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट है 12,000 रुपए के प्राइस में काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, एंड इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाय कर सकते हैं। एंड टीवी यहां पर अच्छी निकल कर आती है। तो बेस्टन ने भी यहां पर एक नई टीवी सीरीज लॉन्च करी है। इसके अलावा WebOS जो है ना, आपको धीरे धीरे बहुत सारे ब्रांड्स में देखने मिल जाएगा, लाइक अभी दाइवा ने भी अपने टीवीज में जो है WebOS देना शुरू कर दिया है। तो मेरे हिसाब से बाकी सारे टीवीज जो ओपन सोर्स के साथ आ रहे थे, उनसे अच्छा है WebOS के साथ आए, काफी ऑप्टिमाइज है, इवन एंड्रॉइड के मुकाबले कुछ चीजों में जो WebOS है वो ज्यादा अच्छा निकल कर आता है, परफॉर्मेंस एंड एप्स की लोडिंग स्पीड वगैरह को लेकर। ओके, तो चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं उन टीवीज की जो कि जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, और इसमें सबसे पहला नाम है Redmi स्मार्ट टीवी का। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर 2021 में Redmi ने इंडियन मार्केट में अपनी X सीरीज की स्मार्ट टीवीज को लॉन्च किया था, जहां पर हमें 15 इंच, 55 इंच और 65 इंच के टीवीज देखने मिल रहे थे। और इसका जो 43 इंच वाला वेरिएंट है, जो कि लास्ट ईयर नहीं लॉन्च किया गया था, वो इस साल अभी कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है। आई थिंक जो डेट है वो 9 फरवरी है। तो यहां पर जो है Redmi अपना X
43 वाला जो वेरिएंट है वो लॉन्च करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ नया नहीं मिलने वाला है, जो Redmi की X सीरीज थी वो बस आपको एक नए स्क्रीन साइज में मिलने वाली है, यानी जो 43 इंच का सेक्शन बचा हुआ था वो यहाँ पर अब ऐड होने वाला है। वही स्पेक्स आपको मिलने वाले लाइक 30 वॉट के स्पीकर्स आपको मिलेंगे, माइट बी एंड्रॉइड 11 हो सकता है बिकॉज 2022 में टीवी लॉन्च हो रही है और यहाँ पर सब जगह आपको एंड्रॉइड टीवी 11 मिल रहा है, माइट बी एंड्रॉइड 11 होगा। पैच वॉल 4.0 मिलेगा आपको, HDMI 2.1 मिलता है एंड ईआरक पोर्ट भी आपको मिल जाएगा। वेल, प्राइसिंग की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से Redmi के इस 43 इंच टीवी की प्राइसिंग 27,000 to 28,000 रुपीज हो सकती है, बिकॉज 32 या फिर 31 के आसपास आपको MI 5X 43 इंच वेरिएंट देखने मिल जाता है और Redmi थोड़ा सा सस्ता होता है MI के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो 27,000 to 28,000 रुपीज की प्राइसिंग होने वाली है। टीवी कैसी है? देखिए, Redmi की टीवीज मैं कहूंगा डिसेंट है, बहुत ही अच्छे नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, डिसेंट ऑप्शन है, आप ले सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, मार्केट में इससे अच्छे टीवीज भी अवेलेबल हैं। नो डाउट Redmi, OnePlus जैसे ब्रांड्स, Realme जैसे ब्रांड्स जो अपने टीवीज लॉन्च करते हैं तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं और जो अननेसेसरी की फीचर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा हाइप करते हैं। बट अगर आप टीवी ले रहे हो ना, तो सबसे पहली बात आपको पिक्चर एंड ऑडियो क्वालिटी पर फोकस करना है। अगर आपके टीवी में ये दो चीजें अच्छी नहीं है तो आपका टीवी लेकर मतलब ही नहीं है। लाइक इन ब्रांड्स की अगर बात करी जाए तो ये एडवर्टाइज करते हैं हमारे टीवी में हैंड फ्री वॉइस कमांड का सपोर्ट है, बट अगर टीवी में पिक्चर क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं तो आप वॉइस कमांड देके करोगे क्या? टीवी में वॉइस कमांड देना है तो एलेक्सा गूगल असिस्टेंट ले लो 3,000 रुपए में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और Redmi टीवीज में अगर बात करी जाए तो ये ब्रांड ना बाकी सारे फीचर्स पर तो काफी अच्छा फोकस करता है, बट पिक्चर क्वालिटी मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है जितना आपको बाकी सारे ब्रांड्स इसे कम प्राइस में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो टीवी मेरे हिसाब से डिसेंट होने वाली है, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप ले सकते हो, बट येस देर आर बेटर ऑप्शन लाइक व्यू की अगर हम बात कर लें। इसके अलावा नोकिया टीवीज है जो कि काफी अच्छे ऑप्शन के साथ आते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हमारे अगले स्मार्ट टीवी की तरफ, तो अगली खबर जो है वो है OnePlus को लेकर। जी हाँ दोस्तों, OnePlus भी इसी मंथ अपने दो नए स्मार्ट टीवी सीरीज को लॉन्च करने वाला है और ये दो नए स्मार्ट टीवी सीरीज है OnePlus Y1S और Y1S Edge। बेसिकली जो एज वाला मॉडल है इसमें आपको जो बेजल्स है वो थोड़े से थिन देखने मिलेंगे, लाइक जैसे हमें MI में देखने मिलता है Mi Horizon Edition, लाइक यहाँ पर आपको जो है OnePlus Edge Edition मिलने वाला है थिन बेजल्स के साथ में। सॉरी, यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ, बहुत डिस्टर्ब होता है। ओके, सो OnePlus के भी टीवीज आने वाले हैं, वाई सीरीज के टीवीज हैं। इसका मतलब यह है कि बजट कैटेगरी की टीवीज होंगी जहां पर आपको 32 इंच से लेकर 43 इंच फुल HD वेरिएंट तक के ऑप्शंस देखने मिलने वाले हैं। क्या कुछ OnePlus नया करने वाला है? आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, बेसिकली वही टीवीज होने वाली है। कुछ चीजें यहाँ पर इंप्रूव करी जाएंगी लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड टीवी 9 के बजाय अब यहाँ पर एंड्रॉइड टीवी 11 मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई हो जाएगा, प्रोसेसर वगैरह यहाँ पर इंप्रूव करी जाएगी। इंपॉर्टेंट यह है कि OnePlus अपनी पिक्चर को इंप्रूव करता है या फिर नहीं। पर्सनली मुझे OnePlus की टीवी ज्यादा पसंद नहीं है बिकॉज पिक्चर प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम मुझे उनके हर टीवीज में देखने मिलती है। टीवीज बहुत बार ओवर सैचुरेटेड कलर्स प्रोड्यूस करती है, इवन परफॉर्मेंस वगैरह में भी उतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है जितना आपको Redmi टीवी ऑप्टिमाइज मिलती है पिक्चर प्रोसेसिंग एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर। एंड इसके अलावा OnePlus की हाल ही में मैंने एक टीवी बाय करी थी, OnePlus U1S 50 इंच, एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी टीवी। टीवी की विविंग एंगल इतनी बेकार है कि आप टीवी को यहां से खड़े होकर देखो और जस्ट एक कदम आप साइड जाओ आपको तुरंत ही कलर शिफ्ट देखने मिलेगा, मतलब कौन सा पैनल आपने लगा रखा है भाई। तो इसलिए मैंने वो टीवी का रिव्यू तो किया बट मैंने स्ट्रेट वहां पे मना कर दिया था टीवी अच्छी नहीं है। सो इस वजह से मुझे OnePlus की टीवी अच्छी नहीं लगती है बिकॉज वही सेम करते हैं, ये भी फीचर्स जो है वो मतलब मिसगाइड करते हैं, मतलब फालतू के जो फीचर्स है वो मार्केट करते हैं, जो मेन है की कंपोनेंट है वही आप इंप्रूव नहीं करोगे। वेल, आई होप कि यहाँ पर जो है OnePlus अपने नए टीवीज में ये सारी चीजें इंप्रूव करे। वेल, अगर आपकी डिमांड आएगी तो जरूर हम Y1 सीरीज को बाय करके डिटेल रिव्यू वीडियो लेकर आएंगे। और बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे अगले अपकमिंग टीवी की तरफ। इसके बारे में उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है बट यहाँ पर इतना पता है कि भैया जल्द ही आपको आने वाले कुछ ही महीनों में फेब्रुवरी माइट भी या फिर नेक्स्ट मंथ Hisense की तरफ से कुछ नया देखने मिल सकता है। कुछ नया में कौन सी नई टीवी है, कितने इंच में आने वाली है, क्या होगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट यस हमारे सूत्रों से पता चला है कि भाई एक Hisense का कुछ तो आने वाला है। स्मार्ट टीवी होगा बट क्या होने वाला है, एग्जैक्टली क्यूलेड होने वाला है, बजट सेक्शन में टीवी होगी, इसके बारे में फिलहाल अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट यस Hisense की तरफ से भी नई टीवी आपको देखने मिल सकती है। तो ये है कुछ नए टीवीज जो कि कुछ लॉन्च हो चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि आप इन टीवीज में से कौन से टीवी में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप चाहते हैं कि इन में से किसी टीवी का रिव्यू मैं खुद करूं बाय करके तो डेफिनेटली वो भी मुझे जरूर बताना। अगर मुझसे हो पाया बजट अगर
प्रॉपरली हो पाया, तो मैं डेफिनेटली टीवी बाय करके आपके लिए हमेशा की तरह अनबायस रिव्यू लेकर आऊंगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। एंड हाँ, उस टारगेट को मत भूलना, जल्द से जल्द हमें चैनल पर 50K कंप्लीट करना है। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।